राष्ट्रपति अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, हालांकि राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। वो बोले, कुछ लोग हीन मानसिकता के मन बुद्धि लोग हैं जो सरकार की योजनाएं नहीं समझ पाते। हालांकि जाट आरक्षण और जेएनयू जैसे ज्वलंत मुद्दे पीएम मोदी मौन रहे। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का बचाव किया और जीएसटी बिल की हिमायत की। वो बोले कि विपक्षी दल खुद जीएसटी चाहते थे तो आज समर्थन क्यों नहीं कर रहे। मुझे 14 साल से विपक्षियों के प्रमाण पत्र मिल रहा है, आपका भी सही, शुक्रिया, सर झुका कर स्वीकार करता हूँ। पूर्व पीएम राजीव गांधी और लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये शख्सियत संसद में केंद्र के रूप में थी। वो चर्चा करते थे और चर्चा सुनते थे, लेकिन चर्चा से भागते नहीं थे। संसद की गरिमा और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं बल्कि एक नए सांसद के तौर पर कह रहा हूँ। पीएम मोदी ने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि कांग्रेस की वजह से देश गरीबी की जकड़न में है। वही ये भी कहा कि 8 मार्च को जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होगा तो क्या केवल संसद में महिला सांसद ही बोल सकती हैं? और एक सप्ताह कम से कम ऐसा रखा जाए जब नए सांसद ही अपनी बात सदन के अंदर रखें। मिशन 2017 की तैयारी में लगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा को बतौर सीएम पेश कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को ये सलाह दी है। आपको बता दें कि बुधवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के शीर्ष 42 नेताओं के साथ प्रशांत किशोर ने बैठक की है। इस बैठक में यूपी से लगभग सभी बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए, जिसमें प्रदेश डॉक्टर निर्मल खत्री, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, प्रदीप माथुर, नसीब पठान, सांसद प्रमोद तिवारी, पिया प्रदीप आदित्य जैन भी शामिल हुए। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों पर चर्चा होने की खबर है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 28 सीटों के साथ चौथे नंबर पर थी और लोकसभा चुनाव में तो उसे मात्र 2 सीटें ही मिली थी। ऐसे में खबर है कि प्रशांत किशोर की रणनीति ये है कि किसी बड़े चेहरे के साथ चुनाव मैदान में उतरा जाए। इसके लिए प्रियंका गांधी फिट हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लोकसभा में पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी और बिहार में सीएम पद के लिए नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजायाफ्ता सभी 7 दोषियों की उम्र कैद की सजा माफ करने और उन्हें जेल से रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि इस मामले में आखिरी फैसला सरकार को लेना है, वो इस मामले में अपने व्यक्तिगत विचार नहीं रखेंगे। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को कहा था कि उसने राजीव गांधी हत्या मामले में सभी 7 दोषियों की उम्र कैद की सजा माफ करने और उन्हें रिहा करने का फैसला किया है। साथ ही इस कदम पर केंद्र सरकार का विचार भी मांगा है। केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को भेजे एक पत्र में तमिलनाडु के मुख्य सचिव के ज्ञान देसिकन ने कहा है कि राज्य सरकार ने 7 दोषियों से याचिकाएं प्राप्त की हैं, जिनमें उन्हें रिहा करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि उन्होंने जेल में 20 साल से भी ज्यादा का वक्त बिता लिया है। दोषियों में वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी सत्येंद्र राजा उर्फ सतन, एजी पेरिवलन उर्फ अरिवू, जय कुमार, रॉबर्ट प्यास, रविचंद्रन और नलिनी शामिल हैं। वहीं हत्याकांड के दोषियों की सजा माफ करने और उन्हें रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि इस मामले में शीर्ष अदालत के निर्णय को मानना हम सब की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर के पास एक चुनावी रैली के दौरान हुई थी। इस मामले में टाडा अदालत ने 7 लोगों को दोषी करार उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसरत जहां मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, इस मामले की जांच से जुड़े रहे एक पूर्व अधिकारी सतीश वर्मा ने गृह मंत्रालय में अपर सचिव रहे आरवीएस मणि के सिगरेट से दागने के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि सीबीआई जांच के समय ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, अगर ऐसा मैंने किया होता तो ये एक अपराध है। मणि को ये बात अच्छे से पता है कि अगर ऐसा हुआ था तो वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। उन्होंने मणि के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मणि का उद्देश्य कुछ और है, वो इस केस को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में गवाह के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं लिए जाते हैं। मणि भी गवाह थे तो उनका जो बयान लेना था उस पर हस्ताक्षर नहीं होता है, तो फिर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव का प्रश्न नहीं है। वर्मा के बयान पर मणि ने कहा कि उनके पास आज भी वो पेंट सबूत के तौर पर मौजूद है जब वर्मा ने उनको सिगरेट से दागा था। इससे पहले सतीश वर्मा ने बुधवार को कहा था कि इसरत जहां मुठभेड़ फर्जी थी, उन्होंने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के उन पर दबाव बनाए जाने के आरोपों को खारिज कर दिया। दक्षिण कश्मीर स्थित पुलवामा जिले के तराल इलाके में बुधवार रात भर चली मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकी मारे गए।
सेना के एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी से जुड़ी सूचना मिलने के बाद बुधवार रात तलाक के दत्सारा इलाके की घेराबंदी करके खोजी अभियान चलाया था। इसके बाद हुई गोलाबारी में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 स्थानीय आतंकी मारे गए। मृत आतंकियों की पहचान आसिफ हुसैन हुसैन भट्ट, मोहम्मद इसाक पेरे और आसिफ अहमद मीर के रूप में हुई है। भट्ट पिछले साल उधमपुर में BSF के काफिले पर बोले गए हमले में संलिप्त आतंकियों को शरण उपलब्ध कराने में शामिल था। अधिकारी ने कहा था कि गोलीबारी वाली जगह 3 AK-47 राइफलें बरामद हुई हैं और वहां पर आतंकियों की खोज एवं सफाई का अभियान जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पामपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए थे। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार JNU के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत की रिहाई को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं। शाम करीब 5 बजे ये कागजात तिहाड़ जेल पहुंच गए, जहां से करीब 7 बजे कन्हैया बाहर आ जाएगा। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कन्हैया को 6 महीने की सशर्त जमानत दी थी। इससे पहले कोर्ट ने कन्हैया की बेल बॉन्ड और सियोरिटी को मंजूर कर लिया है। उसकी अंडरटेकिंग संबंधी कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के मद्देनजर चाणक्यपुरी में कोर्ट लगाई गई। इस मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी। हाई कोर्ट में जहां दिल्ली पुलिस ने कन्हैया की जमानत का विरोध किया, वहीं दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने इसकी पुरजोर वकालत की थी। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार को सशर्त जमानत देते हुए निर्देश दिया है कि वह दिल्ली पुलिस का जांच में पूरा सहयोग करे। इसके साथ ही कोर्ट ने कन्हैया कुमार को 10,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरने के भी निर्देश दिए हैं। आज यूपी की 28 MLC सीटों के लिए सूबे के 57 जिलों के 729 मतदान केंद्रों पर हुआ MLC का चुनाव। MLC चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सपा मुखिया मुलायम सिंह के अलावा कई केंद्रीय मंत्री, सांसदों व विधायकों ने नहीं किया मतदान, तो MLC वोटर लिस्ट में नाम न होने के कारण चाह के भी कई सांसद व विधायक नहीं कर सके MLC चुनाव में मतदान। आगामी 2017 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी सहित भाजपा व बसपा की प्रतिष्ठा का सवाल बने यूपी के MLC चुनाव आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे यूपी में छिटपुट विवादों को छोड़ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए, जिसके तहत यूपी की 36 रिक्त MLC सीटों में से 8 सीटों पर पहले ही सपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिसके चलते MLC की शेष 28 सीटों के लिए आज सूबे के 57 जिलों के 729 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान के दौरान जहां एक ओर करीब 85 से 90% मतदाताओं ने खासा बढ़ चढ़ कर इस चुनाव में हिस्सा लेते हुए MLC चुनाव के 97 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटिकाओं में बंद कर दिया, वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के अलावा कई केंद्रीय मंत्री, विधायकों व सांसदों ने MLC चुनाव में मतदान नहीं किया, तो कई अन्य सांसद व विधायक MLC वोटर लिस्ट में नाम न होने के कारण चाहकर भी अपना मतदान नहीं कर सके, जिसके चलते इन जनप्रतिनिधियों व उनके समर्थकों द्वारा मौके पर मौजूद मतदान कर्मियों व अधिकारियों से नोकझोंक करते हुए जमकर विवाद भी किया गया, क्योंकि यूपी के इन 28 MLC सीटों में से 21 पर भाजपा, 6 पर बसपा, 1 पर कांग्रेस, तो कई सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी सपा प्रत्याशियों के खिलाफ ताल ठोक के नजर आए हैं। ऐसे में भले ही सूबे की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी व विपक्षी भाजपा व बसपा जैसे दलों ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अब तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो, लेकिन कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये तो आने वाले 6 मार्च को होने वाली मतगणना के बाद ही पता चलेगा। राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों की तकिए से मुंह दबाकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद पिता ने थाने में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र के सरोज निवास में किराए के मकान पर रहने वाले कलयुगी पिता ने अपने 10 महीने की बेटी और 2.5 साल के बेटे की तकिए से मुंह दबाकर निर्मम हत्या कर दी। बेरहम पिता ने बच्चों की हत्या के बाद खुद ही पुलिस थाने में जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पिता का कहना है कि बच्चों की परवरिश ना कर पाने के कारण उसने परेशान होकर अपने बच्चों की हत्या कर दी। बच्चों की मां की 10 महीने पहले ही मौत हो गई थी। उसके बाद पिता दोनों बच्चों की परवरिश करता था, मगर आज अपने ही बच्चों की देखभाल ना करने से परेशान होकर पिता ने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। आपको बता दें, कातिल पिता अभिनेश स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करता है। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को पटम के लिए भेज दिया है और पिता को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश में बारात घरों को छोड़कर अब अस्पतालों में बैंड बाजा बाराती दिखने लगे हैं। बुलंदशहर, मऊ और संभल के बाद से समाजवादी पार्टी के गिरी जनपद इटावा में भी अस्पताल में बैंड बाजा बाराती की अनोखी तस्वीर सामने आई है। इटावा के सफाई के PGI हॉस्पिटल की मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने की खुली पोल। अस्पताल के अधिकारियों ने हॉस्पिटल को बना दिया बारात घर।
तेज डीजे की आवाज से हॉस्पिटल में भर्ती मरीज और उनके परिजन बेहद परेशान और निराश होते रहे। सफाई पीजीआई परिषद के अंदर बने मंदिर के पुजारी की बेटी की शादी में हुई इटावा पीजीआई अस्पताल के निदेशक ब्रिगेडियर प्रभाकर ने सफाई दी है कि अस्पताल गेस्ट हाउस में शादी की गई थी, लिहाजा मरीजों कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर हम तस्वीरों में देखें तो पूरी तरह से पीजीआई में भर्ती मरीज परेशान और निराश नजर आए। अगर हम नियमों की बात करें तो अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में भी कोई तेज आवाज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये यूपी है और यूपी में इन दिनों अस्पतालों में शादी होने की होड़ लगी हुई है। स्वास्थ्य महकमे में हुए करोड़ों के टैक्सी बिल घोटाले मामले में अब कार्रवाई पर बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। कथित तौर पर गिरफ्तार और सरेंडर किए एक ट्रेवल एजेंट की पत्नी ने कचहरी में खुलासा किया है कि अफसरों ने ट्रेवल एजेंटों को फंसवा दिया, जबकि पैसे की बंदरबांट सीधे तौर पर अफसरों ने की और बजट का दुरुपयोग जो किया गया वो दवा की मद से पेमेंट किया गया। अब सवाल ये है कि क्या ट्रेवल एजेंट इतने सक्षम है कि वो स्वास्थ्य महकमे का पेमेंट खुद ही हासिल कर लेंगे। 2009 में हुए टैक्सी बिल घोटाले के मामले में बीते साल आधा दर्जन अलग अलग जनपदों में मुकदमे कायम हुए और विवेचनाएं शुरू हुई। इन विवेचनाओं में शुरुआती तौर में दो ट्रेवल एजेंटों पर कार्रवाई की गाज गिरी। हालांकि पुलिस जिसे गिरफ्तारी बता रही है वो असल में हरिद्वार में किया गया सरेंडर है। सरेंडर किए ट्रेवल एजेंट की पत्नी ने कहा है कि वो बड़ी मजबूरी में है, उनका 2 साल का बच्चा है, वो कहां जाए। अफसरों ने पेमेंट किया, विभाग का बजट था, टैक्सी एजेंट का तो सिर्फ इतना काम है कि वो बिल बना के प्रोड्यूस करेगा और उसे पेमेंट मिलेगा। इन सबके बीच आखिर सीधे तौर पर जिम्मेदार अफसर हैं जिन्होंने पेमेंट जारी किया, आखिर उन्होंने गलत पेमेंट क्यों जारी किया और बजट जो दवा खरीद का था वो कैसे टैक्सी के बिलों में दिया गया। पत्नी ने ये भी मांग की है आवश्यक हुआ तो वो इस पूरे घोटाले की जांच की मांग के लिए सीबीआई जांच की मांग करेंगे। इस अहम मसले पर सवाल पूछे जाने पर आईजी संजय गुंजियाल ने भी स्वीकार किया कि मुकदमों की तफ्तीश किस स्तर पर चल रही है इसकी विवेचना नहीं की जा सकी है और तत्काल आईजी ने जांच के आदेश दे दिए और प्रगति रिपोर्ट तलब की है। आपको बताते चले आईजी ने खुलकर कहा है कि स्वास्थ्य महकमे के भी जिम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा। राज्य में कांग्रेस और भाजपा अब केंद्र के मुद्दों के सहारे मिशन 2017 को धार देने में जुटे हैं। आपदा राहत कार्यों में घोटाला और सीडी कांड मामला ठंडा पड़ने के बाद भाजपा ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भावनात्मक ज्वार लाने का जो सिलसिला शुरू किया है वो अब इशरत जहां एनकाउंटर मामले में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर उठे सवालों के साथ और तेज होगा। हालांकि भाजपा नेता संदेश दे रहे हैं कि देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर कांग्रेस का रवैया क्या रहा है इसे वो जनता के बीच ले जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे सियासी फायदे को आसानी से समझा जा सकता है। चुनावी साल में स्थानीय मुद्दों को दरकिनार कर इमोशनल कार्ड फेंके जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसके अब थमने के आसार नहीं। खेल विकास को लेकर उत्तराखंड सरकार कई प्रयास कर रही है जिसका नतीजा है कि आने वाले समय में राजधानी के परेड मैदान में कई कोर्ट्स नजर आ सकते हैं। देहरादून में युवाओं को जल्द ही बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस के नए कोर्ट मिलने जा रहे हैं। राजधानी के परेड मैदान में इनका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। प्रदेश के खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल ने परेड मैदान में निर्माणाधीन तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों को और भी तेजी से काम करने के लिए निर्देशित किया है। खेल मंत्री का कहना है कि करोड़ों की लागत से बन रहे कोर्ट्स से युवाओं को काफी फायदा मिलेगा। शहर के मध्य में उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन राज्य सरकार तैयार कर रही है जिसमें किसी के भी आने की कोई बाध्यता नहीं होगी। जो भी यहाँ पर कुछ सीखना चाहता है उसका स्वागत होगा। प्रदेश के कई खिलाड़ी अन्य राज्यों से खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। ऐसे में अगर उनको प्रदेश के भीतर ही बेहतर ऑप्शन उपलब्ध होंगे तो इसका निश्चित तौर पर फायदा उत्तराखंड प्रदेश को मिलेगा। फैशन डिजाइनर सिप्रा मलिक के मामले में 3 दिन बीत जाने के बाद भी नोएडा पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि एसएसपी गौतम बुद्ध नगर का कहना था कि उन्होंने तमाम जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगालवाए हैं। इसी के साथ अब जो सीसीटीवी फुटेज पहले खंगाले जा चुके हैं उनकी भी अब तीसरी बार जांच की जाएगी। यही नहीं, एसएसपी ने बताया कि सिप्रा का मोबाइल और इंटरनेट ऑन रहे और वो नोएडा से डीएनडी के रास्ते 15 मिनट में ही लाजपत नगर दिल्ली पहुंच गई। हालांकि दिल्ली के भी कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं लेकिन नोएडा पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। नोएडा के सेक्टर 37 में रहने वाली सिप्रा मलिक के प्रकरण में 3 दिन बीत जाने के बाद भी नोएडा पुलिस के हाथ खाली हैं। नोएडा पुलिस को अभी तक सिप्रा मलिक के विषय में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं और न ही पुलिस उसको अभी तक बरामद कर पाई है। वहीं सिप्रा मलिक के गायब होने से उसके 1.5 वर्ष के बेटे के साथ साथ उनके परिवार वालों का भी हाल बुरा है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं परिजन भी
चिंता में डूबते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एसएसपी गौतम बुद्ध नगर किरण एस का कहना था कि उन्होंने अब तीसरी बार सीसीटीवी फुटेज खंगालवाए हैं, जिसके चलते अब हर एक सीसीटीवी कैमरे को गंभीरता से चेक किया जा रहा है। इससे पहले नोएडा दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा चुके हैं, लेकिन पुलिस को उसमें कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ एसएसपी ने ये भी बताया, सिपरा का मोबाइल और इंटरनेट गायब होने के दिन चालू थे और वो 15 मिनट के अंतराल में डीएनडी के रास्ते आश्रम पहुंच गई। वहीं नोएडा पुलिस उस पूरे मामले में कई दर्जन लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। एसएसपी गौतम बुद्ध नगर का कहना था कि पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और हर एक पहलू पर जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार शिप्रा मलिक कब तक बरामद हो पाती है। कानपुर में 5 बेटों की आज वृद्ध महिला अपने घर में रहने के लिए दर दर भटक रही है। वहीं बड़े बेटे के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद वृद्ध महिला अब अधिकारियों के चौखट के चक्कर लगा रही है। कानपुर में इस बेबस माँ की बेबसी और लाचारी की दास्तान समाचार प्लस पहले भी दिखा चुका है। तब से जिम्मेदारों में और सरकारी महकमों में हलचल तो मच गई थी, पर हुआ कुछ नहीं। वह बेबस माँ अपने अधिकार और अपने घर के लिए दर दर ठोकर खा रही है, कभी इस सरकारी चौखट पर तो कभी उस सरकारी चौखट पर। यह वृद्ध माँ अपने सबसे छोटे बेटे आशीष और बहू शिखा शुक्ला व कुछ पड़ोसियों के साथ अपर श्रम आयुक्त प्रदीप श्रीवास्तव से फरियाद लेकर उनके कार्यालय पहुंची। वहां इस माँ के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नौकर शाह ने क्या बर्ताव किया, ये वीडियो बयां कर रहा है। इसके अलावा जब अपर श्रम आयुक्त और उनके अधीनस्थ कर्मियों को पता लगा कि उनकी करतूत और बदजवानी का वीडियो बन रहा है, तो अपर श्रम आयुक्त के अधीनस्थ कर्मियों को गुंडा बनने में देर नहीं लगी और उन्होंने शिका का हाथ पकड़ लिया और उससे बदतमीजी भी की। लेकिन इस माँ को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, इस वृद्धा को अपने घर में जगह मिल पाएगी कि नहीं, ये कह पाना अब मुश्किल दिख रहा है। जंगली हाथी भी अर्धकुंभ मेले के लिए एक बड़ी चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल हरिद्वार में अर्धकुंभ मेला चल रहा है और अर्धकुंभ मेला क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से सटा हुआ है। ऐसे में जंगलों से निकलकर हाथी रोजाना इंसानी बस्तियों का रुख कर रहे हैं। हरिद्वार में चल रहे अर्धकुंभ मेले पर अब जंगली हाथियों का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल अर्धकुंभ मेला क्षेत्र का बड़ा हिस्सा जंगलों से सटा हुआ है। गर्मी का मौसम आते ही हाथियों का झुंड जंगलों से निकलकर आबादी क्षेत्र का रुख कर रहा है। यहाँ के भूपतवाला, मनसा देवी मार्ग, चंडी देवी मार्ग, चीला मार्ग और श्यामपुर हाईवे पर जंगली हाथियों का कॉरिडोर है, लिहाजा रोजाना हाथी इन क्षेत्रों में आ रहे हैं। अर्धकुंभ मेले की सुरक्षा में लगे पुलिस और अर्धसैनिक बलों को भी रोजाना इन हाथियों से दो चार होना पड़ रहा है। रोजाना शाम को ये जंगली हाथी हरिद्वार नजीबाबाद एनएच पर भी आ धमकते हैं, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस और विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। मेला प्रशासन भी जंगली हाथियों को अर्धकुंभ मेले के लिए एक बड़ी चुनौती मान रहा है और ऐसे में मेला प्रशासन द्वारा वन विभाग को 12 लाख का बजट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या वन विभाग इस 12 लाख के बजट से जंगली हाथियों से लोगों की सुरक्षा कर पाएगा। मेरठ में नशे में धुत एक सिपाही ने यूपी बोर्ड कार्यालय में काम करने वाले 2 कर्मचारियों पर गोली चला दी। गोली लगने से कर्मचारी नागेंद्र ने बोर्ड ऑफिस के रूम में ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा कर्मचारी हरिओम गंभीर रूप से घायल हो गया। बोर्ड ऑफिस में पड़ा खून जांच करती पुलिस और हंगामा करते हुए लोग नजर आए थाना लालकुर्ती क्षेत्र इसी यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का, जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की कॉपियां जमा होती हैं। इसी को देखते हुए पुलिस फोर्स भी यहां तैनात थी, पर यहां तैनात सत्येंद्र नाम के सिपाही ने शराब पी ली और हंगामा करने लगा। बोर्ड ऑफिस के कर्मचारियों ने काफी समझाने के बाद भी सिपाही बाज नहीं आया और गाली देते हुए बोर्ड ऑफिस के रूम में घुसकर अपनी सरकारी राइफल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें नागेंद्र नाम के कर्मचारी और परीक्षा कॉपी जमा कराने आए हरिओम को गोली लग गई। नागेंद्र की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हरिओम गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं साथ ही कर्मचारी की हत्या से आक्रोशित कर्मचारियों ने बोर्ड ऑफिस के बाहर जाम लगा दिया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की पहले दिन इंटरमीडिएट की हिंदी की परीक्षा संपन्न हुई। पहली परीक्षा के प्रश्न पत्र देखने के बाद परीक्षार्थी काफी उत्साहित दिखे। आपको बता दें कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की परीक्षाएं इंटरमीडिएट के हिंदी प्रश्न पत्र के साथ प्रातः 10 बजे शुरू हुई। 3 घंटे तक चली ये परीक्षा 1 बजे समाप्त हुई। परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों के चेहरे खुशी से खिले हुए दिखाई दिए। चेहरे खिले होने का कारण हिंदी प्रश्न पत्र का सरल आना था। परीक्षार्थी पहला पेपर देने के बाद काफी उत्साहित व आत्मविश्वास से लवरेज दिखाई दिए। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाएं 2 अप्रैल तक चलेंगी। इस परीक्षा में 3 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं।
जिस तरह से हिंदी प्रश्न पत्र सरल आया है, आगे भी ऐसे ही सरल प्रश्न पत्र आएंगे परीक्षार्थियों को उम्मीद। मथुरा के चंद्रावन स्कूल के पास उस समय कोहराम मच गया जब एक कार पलट गई, इसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई। तीनों महिलाएं एक ही परिवार की हैं, जो भरतपुर से अपने परिवार के साथ शादी समारोह से लौट रही थी। रात भर जागने के कारण कार चालक को नींद आ गई, जिसके कारण कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और सभी घायलों को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां पर 3 महिलाओं की मौत हो गई। फिलहाल बाकी 3 घायलों को आगरा रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने सबों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गरीब और पीड़ित जनता को न्याय दिलाने का वादा करने वाली हरिद्वार पुलिस का गुस्सा टूटा गरीब जनता पर। अस्पताल में 2 गर्भवती महिलाओं की मौत के बाद न्याय की गुहार लगा रहे परिजनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गरीबों और पीड़ितों को न्याय दिलाने का दावा करने वाली हरिद्वार पुलिस का गरीबों और पीड़ितों पर ही गुस्सा टूट रहा है। आज हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 2 गर्भवती महिलाओं की हालत बेहद गंभीर हो गई। केस बिगड़ता देख निजी अस्पताल प्रशासन ने दोनों को हायर सेंटर की ओर रेफर कर दिया, लेकिन हायर सेंटर ले जाते वक्त दोनों गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर भारी संख्या में पहुंची पुलिस फोर्स का गुस्सा अस्पताल प्रबंधन के बजाय प्रदर्शन कर रहे लोगों पर निकला और पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस मौके पर कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। इस घटना पर जब पुलिस से जवाब मांगा गया तो सीओ सिटी ने कहा कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है, केवल लोगों को उस स्थल से खदेड़ा गया है। ताजनगरी आगरा के थाना ताजगंज इलाके में शादी तय से नाखुश बड़े भाई ने अपने छोटे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। आगरा के थाना ताजगंज के सैमरी के ताल में आज बड़े भाई ने छोटे भाई पर पहले तो चाकू से हमला कर दिया और फिर गोली चलाई। गोली बड़े भाई की साली को लग गई। दोनों ही गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, तो वहीं आरोपी बड़े भाई को परिजनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। छोटे भाई की शादी बड़े भाई की ससुराल से तय हुई थी, जिसको लेकर बड़ा भाई नाराज था। आज इसी बात को लेकर दोनों भाइयों ने पहले तो मारपीट हुई और फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि बड़ा भाई बन गया छोटे भाई के खून का प्यासा। बड़ा भाई सुमंगल जहाँ आर्मी में तैनात है, तो वहीं छोटा भाई नेवी में। बड़े भाई ने छोटे भाई पर गोली चला दी, जो गोली खुद की साली को लगी, लेकिन बड़े भाई ने दोबारा चाकू से छोटे भाई पर हमला कर दिया। साली और छोटे भाई को आगरा के एसर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़े भाई जो आर्मी में तैनात है, उसे गिरफ्तार कर लिया है।